स्पॉन्सर्ड बाय PSS विजन एकेडमी, थर्ड फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। की मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे दिन 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें रीवा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए समारोह पूर्वक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित पार्क को लाडली लक्ष्मी वाटिका के रूप में स्थापित किया गया तथा गुप्ता पेट्रोल पंप से केंद्रीय विद्यालय के बीच नवनिर्मित सड़क को लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में स्थापित किया गया। लाडली लक्ष्मी वाटिका में पार्क के अंदर वृक्षारोपण किया गया। गुप्ता पेट्रोल पंप से केंद्रीय विद्यालय के मध्य नवनिर्मित कंक्रीट सड़क को लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में स्थापित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सामूहिक लोकगीत एवं लोक नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत उपस्थित जनों को शपथ दिलाई गई। विभागीय पंडालों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के शुभारंभ अवसर पर आयोजित होने जा रहे विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन का आगाज करें। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, करतल ध्वनि के साथ में आज इस शुभारंभ अवसर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। मध्य प्रदेश स्थापना समारोह के अंतर्गत ये 7 दिवसीय आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, और लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रीवा नगर में जिला प्रशासन के माध्यम से, नगर पालिका निगम रीवा के माध्यम से एक पार्क जो लाडली लक्ष्मी के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, उसका शुभारंभ किया गया, उसका लोकार्पण किया गया। और आज इस मार्ग पर जो नेशनल हाईवे 7 से यहाँ केंद्रीय विद्यालय तक इस मार्ग को लाडली लक्ष्मी मार्ग के रूप में लोकार्पित किया गया। माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी, विभिन्न महाविद्यालय और विद्यालयों के अधिकारी पूरा मुख्यमंत्री से लेके और सारे मंत्री विधायक, ये प्रशासन, ये पूरा बेटियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आज का दिन बेटियों का दिन है, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है। और कौन सा ऐसा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? क्या ये कलेक्टर नहीं बन सकती? क्या ये SP नहीं बन सकती? क्या ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? क्या ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? ऐसा कौन सा काम है? अब तो पुलिस में भी हम लोग देखते हैं कि बेटियां डंडे लेके खड़े हैं और गुंडों का दिमाग ठीक करने के लिए जब मुख्यमंत्री आते हैं तो VIP ड्यूटी में बेटियां भी डंडे ले लेके और पुलिस आरक्षक भी बन रही है। तो इसलिए कोई ऐसा काम नहीं है। ये कल्पना चावला ने जो कमाल किया है, ये क्या छोटा कमाल था? अंतरिक्ष में जाके और भारत का नाम रोशन किया। आज कल्पना चावला के नाम से पॉलिटेक्निक में हम लोग एक मूर्ति, कल्पना कल्याण समिति वाले वहां पर एक प्रतिमा लगा रहे हैं। तो इसलिए पूरे बेटियों का हौसला बुलंद रहे, ये मुख्यमंत्री की मंशा है, जो मैंने समझा है कि हौसला बुलंद रहना चाहिए। और जब हौसला बुलंद होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, तो फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करती है। तो अभी जूडो कराटे में प्रदर्शन हम लोगों ने देखा, 5-5 लड़के एक लड़की पर अटैक कर रहे थे और 5 लड़कों को जमीन पर बिछाने का काम वो बच्ची कर रही। अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे कि कोई भी गलत मंशा वाला व्यक्ति से यदि कोई लड़की तेज आवाज में बात कर ले तो वहीं पर वो ढीला पड़ जाता है। लेकिन तेज आवाज में बेटी बात कैसे करे? इसके लिए इस प्रकार के सम्मान, इस प्रकार का पहचान, इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार का उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। यह एहसास कराने में जो सफलता प्राप्त की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, आज मैं उनका हृदय से उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने वास्तव में ऐसा काम किया है जिससे आज नीता कौल जैसी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष, जो इतनी अनुभवी है, वो ये कह रही है कि जब तक ये योजना नहीं थी, जब तक ये सरकार नहीं थी, मुख्यमंत्री नहीं थे, तब तक माहौल दूसरा था। और आज जब इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से काम हो रहा है तो आज माहौल बदल गया है। यह
तत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शास्त्रों में लिखा है। जहां नारियों की पूजा होगी वहीं पर देवताओं का वास होता है, और जहां पर देवताओं का वास होता है वहां पर प्रगति होती है, तरक्की होती है, और जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होगा वहां पर देवता भी ध्यान नहीं देते हैं।